हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवान फिल्म के बारे में, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ तक कि बॉक्स ऑफिस पर बिना रिलीज़ हुए ही इसने तहलका मचा रखा है। तो रिलीज़ होने के बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन सिर्फ जवान ही नहीं, बल्कि साउथ से भी एक ऐसी मूवी है जो तहलका मचाने के लिए एकदम तैयार है। 600 करोड़ की मूवी जवान को टक्कर देने के लिए तैयार है। सुपरस्टार शाहरुख खान की मच अपडेट फिल्म जवान को लेकर गजब की हाइप बनी है। ट्रेलर लॉन्च होने के बाद किंग खान के फैंस इस मूवी को लेकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। हालांकि अब जवान के रिलीज़ में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन सिर्फ जवान ही नहीं है जो सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, उसी दिन उसी डेट पर एक और फिल्म रिलीज़ होगी, वो होगी साउथ की बहुत महंगी 600 करोड़ की फिल्म। तो हम बात करें सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी जेलर की। यस, ये मूवी थिएटर्स के बाद अब OTT पर दस्तक देने वाली है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 10 अगस्त 2023 यानी कि 10 अगस्त 2023 को रिलीज़ हुई थी और इसने दुनिया भर में 600 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है। अब मेकर्स ने इसके OTT रिलीज़ का ऐलान कर दिया है। यानी कि गदर और पठान को पीछे छोड़ने वाली मूवी जवान एक ऐसी मूवी से टक्कर लेने वाली है जिसने ऑलरेडी 600 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो अब रजनीकांत की फिल्म जेलर अमेज़न प्राइम वीडियो पर 7 सितंबर को स्ट्रीम होगी। ये तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी जैसी भाषाओं में रिलीज़ होने वाली है। उसी दिन थिएटर में शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज़ होगी। तो देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि अब क्या होगा, दोनों के टक्कर में कौन आगे निकलने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि जवान या फिर जेलर कौन सी फिल्म आगे जाने वाली है? इसी पर हम बात कर लेते हैं जवान फिल्म के क्रेज़ की, जो कि बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जवान फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है और शाहरुख खान की जवान का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक जवान के एडवांस बुकिंग के आंकड़े लाखों के करीब पहुंच गए हैं। गुरुवार यानी पहले दिन के लिए PVR और INOX के 1,55,000 टिकटों की बिक्री हुई है। वाओ, मतलब ये सुनकर ही मुझे शॉक लग गया था कि बिना फिल्म रिलीज़ हुए उसकी एडवांस बुकिंग में 1,55,000 टिकट भी बिक चुके हैं और सिनेपोलिस में अब तक 34,000 टिकट बिक चुके हैं। इस तरह अभी कुल मिला के जवान के टोटल 1,89,000 टिकट बिक चुके हैं। आप लोगों को हैरानी तो हुई होगी, क्योंकि मुझे भी हुई थी जब मुझे ये बात पता चली। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मूवी जवान में शाहरुख खान ने ना सिर्फ लीड रोल प्ले किया है, बल्कि वह इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस फिल्म को बनाने में 300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जवान में किंग खान के एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आएंगे, जिसकी झलक ट्रेलर में देखने को मिल गई है। बताया जा रहा है कि फिल्म में शाहरुख खान का डबल रोल होगा। जवान में किंग खान के अलावा विजय सेतुपति, नयनतारा, सान्या मल्होत्रा, रिद्धि डोगरा जैसे सितारे भी नजर आने वाले हैं। फिल्म डायरेक्टर एटली कुमार हैं, जो इससे पहले साउथ सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे क्या होने वाला है, जवान या जेलर। जवान का क्रेज़ देख के नहीं लगता कि उसका ज़रा सा भी पीछे हटने का इरादा है, और जेलर की कमाई देखकर नहीं लगता कि वो भी पीछे हटेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। सब्सक्राइबर्स